हम लोग पर्यावरण शिक्षण को प्रारंभ करते हैं। पर्यावरण शिक्षण सबसे बड़ी बात यह है कि ये वास्तव में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीटेट स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सबसे दूसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षण मैं पढ़ा रहा हूँ इसे क्योंकि यूपीटेट का जो नया सिलेबस आया है उसमें भी शिक्षण को सम्मिलित कर लिया गया है। मतलब ये सीटेट के साथ साथ यूपीटेट की परीक्षा में भी काम करेगा, उसके साथ डीएसएस भी और सुपरटेट के सिलेबस में भी शिक्षण को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार यह मैं जो शिक्षण पढ़ा रहा हूँ यह सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है वो आता है, जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो करूँगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005। अगर इसकी बात करें हम लोग तो दिख रहा है ना, हाँ एनसीएफ 2005, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक, इसके बारे में हम लोग फिर बाद में भी चर्चा कर लेंगे। अगर हम लोग देखें कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक है उसके लिए कोई भी एकल पुस्तक नहीं है, अर्थात इस स्तर पे जो विद्यार्थी हैं उनको अपने परिवेश अपने समुदाय के अंतर्गत ही अधिगम प्राप्त करने हैं और उन्हीं के अंतर्गत रहने हैं। जबकि एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से लेके 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विषय वस्तुओं में पाठ्यक्रमों में विभाजित किया है। अर्थात एक प्रश्न तो ये बन गया कि जो पर्यावरण होता है वो हमारे कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक ही लगता है, मैंने जो पर्यावरणीय कक्षा है एनसीएफ 2005 के आधार पे कक्षा 3 से लेके 5 माने 3-4-5 के लिए, कक्षा 1-2 में इसे अलग से विषय के रूप में न देकर एक ही जो पुस्तक होती है उसमें भाषा गणित के साथ साथ पर्यावरण को सम्मिलित किया गया है। किंतु कक्षा 3 से लेकर 5 तक के लिए एनसीएफ 2005 क्या करता है, पर्यावरण को एक अध्ययन विषय के रूप में सम्मिलित करता है जिसमें कुल 6 थीमों में 6 विषय वस्तुओं में से विभक्त किया गया। एक पहला प्रश्न यही पूछ लेता है कि उसे कितने थीमों में विभाजित किया गया, तो 6 थीमों में विभाजित किया गया और आपका पूरा सिलेबस चाहे सीटेट की बात करें चाहे यूपीटेट की बात करें पूरा सिलेबस से इसके आधार पर इसके अंतर्गत आ जाता है। तो पहला अगर हम इसको देखेंगे एनसीएफ 2005 के आधार पर उसके थीम को देखेंगे तो पहला जो थीम होता है वो क्या होता है, पॉइंट नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा परिवार एवं मित्र। क्या होगा, परिवार, परिवार एवं मित्र, क्या होगा आपका परिवार एवं मित्र। तो सिलेबस में भी होगा, आप ध्यान दिया होगा कि ये सिलेबस में ही आपके परिवार एवं मित्र नाम से ये आपके सिलेबस में या आपके अध्याय में भी है। इसमें क्या क्या है, आपसी संबंध, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, आपसी संबंध। आपसी संबंध का मतलब क्या है कि यदि हम परिवार में या पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं तो जो बालक होते हैं बालक के आसपास का जो संबंध होता है उनको हमें पढ़ना है। फिर काम इसके अंतर्गत आता है, काम और खेलना, जानवर और पौधे, इन सभी को इसके अंतर्गत रखा गया है। और इस थीम में परिवार क्या होता है, परिवार से आप क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब कोई व्यक्ति या कोई बालक अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवर और पौधों की विशेषता क्या है, उनका उपयोग आदि विषयों पे चर्चा की गई है। और ये शिक्षण के साथ साथ चलेगा, शिक्षण के साथ साथ जो आपके विषय के क्षेत्र में चलेगा, जो सीरीज प्रारंभ हो गई है वो लगातार आपको मिल भी रही होगी ऑनलाइन पेड क्लास की, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे परिवार एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा आपको, मित्र एक अध्याय के रूप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पर्यावरण 2005 एनसीएफ 2005 की जो थीम है, इस थीम में परिवार क्या होता है, मैंने आपसी संबंध, काम, खेल, जानवर और पौधों को पढ़ना है। इसमें हमें परिवार क्या होता है, परिवार से क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, मित्र किस लिए होते हैं, मित्रता का संबंध किससे है, इन चीज़ों को पढ़ना है। कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, अगर वो लोग काम ना करें तो क्या होगा, खेल कौन से होते हैं, खेल से लाभ क्या क्या होते हैं, जानवरों और पौधों की विशेषता, उनके उपयोगी आदि विषयों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सभी आपके एक अध्ययन विषय के रूप में है जो हम आपको अगली सीरीज जो चल रही है पर्यावरण की वहाँ पर हम आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो अगला है पर्यावरण की जो थीम एनसीएफ 2005 की उसमें दूसरा जो है पॉइंट है आपका भोजन। अगर यहाँ से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें भी, पहला पॉइंट क्या था, परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा पॉइंट है आपका भोजन, मतलब दूसरी जो थीम है
पर्यावरण की भोजन, ये पूरा सिलेबस में भी है। जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप देखेंगे आपको पूरा सिलेबस में मिलता जाएगा। ठीक, अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में इस थीम में, मैंने एनसीएफ 2005 की जो ये पर्यावरण की थीम है, इस थीम में सीटेट में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कितने थीम है, यानी कितने से कौन सा थीम नहीं है। भोजन में स्वाद कैसा है, उसको कैसे पचाया जाता है, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, कुछ फल सब्जियां जो घर के आसपास पैदा होती हैं, जो बाजार से खरीद कर लाई जाती हैं या जो बाहर से मंगाई जाती हैं, भोजन को पकाने के तरीके, उनको कैसे संरक्षित किया जाता है आदि विषयों पर चर्चा, भोजन में अंतर, अलग अलग स्थानों के अलग अलग खाद्य पदार्थ, अलग अलग राज्यों के प्रमुख व्यंजन, इन सभी को हमें भोजन के अंतर्गत पढ़ना है, जो पर्यावरण एनसीएफ 2005 की सेकेंड थीम है। तीसरा, ये देखिए सिलेबस में भी होगा, आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी तरह से सिलेबस में भी मिलता जाएगा। फिर तीसरा है आपका पानी, जिसे हम जल या वाटर कहते हैं, ये भी थीम के अंतर्गत है, सिलेबस में भी आपको जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं इस थीम में पानी के महत्व की चर्चा की गई है, पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, पानी की कमी से होने वाली समस्याएं, पानी की कमी होने का प्रमुख कारण क्या है, प्रदूषण, प्रदूषण से होने वाली समस्या, पानी के स्रोत, उनका संरक्षण और जल से होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा किया गया है। अर्थात ये जो थीम है वो बालकों को जल के उपयोगिता, उसके महत्व के बारे में चर्चा करता है। अगला पॉइंट है आवास, क्या है आवास, क्या है आवास। ठीक, वैसे शुरुआत हमने अपने हिसाब से किया, वैसे हमारे टॉपिक जो शुरू हुई आवास जो हुई है, हमने भोजन से और परिवार से नहीं किया था, जो सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे क्या है आवास, आवास क्या है, इस थीम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में आवास में लोगों का रहन सहन, उनकी पहनावा, उनकी प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित प्राकृतिक से आपदाओं से संबंधित, और जब आवास की बात करते हैं मनुष्य का आवास, मनुष्य जहाँ रहते हैं, मनुष्य के आसपास रहने वाले जानवर, जंगल में रहने वाले, पालतू उड़ने वाले, जल में रहने वाले, इन सभी पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख आवासों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे एक अस्थाई होता है, एक खानाबदोश होता है, इन सभी आवासों के बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक, और विभिन्न राज्यों के प्रमुख आवास, उसके लिए क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी होती हैं, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फिर आगे जो हमें पढ़ना है वो है अगला पॉइंट यात्रा, क्या है यात्रा, पॉइंट नंबर 5 क्या है यात्रा, ये भी एक थीम है पर्यावरण की, क्या है ये पर्यावरण की भी थीम है। यहाँ पे अगर हम देखें यात्रा की, अगर हम बात करें तो यात्रा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जब इस थीम के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभव, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पे चर्चा की जाती है। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालकों से परिवहन के बारे में चर्चा कराना, कैसे उस समय कैसे बने हैं उसके बारे में अपने दादा से भी, अपने घर में परिवार से पूछना, वर्तमान परिवहन, उसके पहले के परिवहन, पहले लोग कैसे यात्रा करते थे, अब लोग कैसे यात्रा करते हैं, यात्रा कैसे और सुलभ बनाया जाता है, यात्रा से क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बालकों से चर्चा करेंगे। फिर यात्रा के दौरान विभिन्न ऐतिहासिक, विभिन्न भौगोलिक स्थानों के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। फिर शिक्षण विधियाँ जब पढ़ेंगे उसके बारे में और डीप में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यात्रा आपके सिलेबस में अध्याय के रूप में है, इसलिए इसे हम अध्याय के रूप में भी अध्ययन करेंगे। फिर आगे जो हम लोग पढ़ते हैं, अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट सीटेट दोनों के सिलेबस में ज्यों का त्यों रखा गया, एक बार आप इसे जरूर देखिएगा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अगला पॉइंट है 6 नंबर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये पर्यावरण की 6 प्रमुख थीम है। ये क्या है, पर्यावरण की 6 प्रमुख थीम है। इसमें ये बताया गया है कि इस थीम के अंतर्गत विभिन्न अवधारणाओं, तकनीकी प्रक्रियाओं की आदि की प्रयोग कर गई है, और ये बताया गया है कि एक बालक किस प्रकार से थीम पे होगा। उपरोक्त जो यह थीम है, इसके साथ साथ एनसीएफ 2005 में लिखित पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे विषयों को दिखाया गया है कि कैसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें अपने आसपास के रहने वाले जो कामगार हैं, कारीगर हैं, उनके बारे में भी इसमें व्याख्या किया गया है, जैसे कारपेंटर बढ़ई काम कैसे बनाता है, कुम्हार चाक कैसे बनाता है, इन चीज़ों को। ठीक, कहने मतलब है कि बालकों के अंदर इस तरह से
ग्रेविटी के क्रिएटिविटी के अर्थात के गुण आ जाए, इस वजह से इसको सम्मिलित किया गया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनसीएफ 2005 के आधार पे उसके प्रमुख 6 थीम है, ये आपके पूरी तरह से सिलेबस में भी एनसीएफ 2005 के 6 प्रमुख थीम जिनको हम लोगों ने भी पढ़ लिया। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के शिक्षण के प्रमुख विषय वस्तु। अगर विषय वस्तु की बात करेंगे, हम आराम से पढ़ा रहे हैं और अभी से पढ़ते भी चलिएगा, साथ ही साथ अब से नोट डाउन भी करते चलिए क्योंकि पॉइंट को भी लिखवाते चलेंगे हम। यहाँ पे अगर हम देखें तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, जो देखिए याद रखिएगा कभी कभी ईवीएस का फुल फॉर्म पूछता है तो उसका सामाजिक अध्ययन होगा, ठीक है, सोशल स्टडी होगा, सोशल साइंस नहीं होगा, ये सीटेट का पूछा प्रश्न है। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडी होता है ना कि इन्वायरमेंटल साइंस होता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत हम विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को अलग अलग न देखकर एक ही नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ये अवधारणाएं मुद्दों के बीच आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे अगर इसका उदाहरण देखना चाहें, उदाहरण के माध्यम से हम देखें, जैसे भोजन हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है, जो भोजन हम यूज करते हैं, जो खाते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, पर्यावरण से प्राप्त होता है। अलग अलग समाज परिवेश के लोगों का भोजन भिन्न भिन्न होता है और भोजन का पचाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रकार हमने ये देखा कि भोजन जो हमने लिया, भोजन पचाने की प्रक्रिया ये वैज्ञानिक विधि हो गई, भोजन कहाँ से आया ये सामाजिक हो गया, किस तरह से हमने इसे मेल बार कट खाया सामाजिक मुद्दा, अर्थात विज्ञान सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण से जुड़ी जो अवधारणाएं मुद्दे हैं ये सभी को हम एक नज़र से एक अवधारणाओं से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अतः इस प्रकार हम लोग ने ये देखा कि प्राथमिक स्तर पर, इस प्रकार जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण की अध्ययन की किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनकी विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी अवधारणाएं एक साथ सभी मुद्दों को समावेश हो सके, सभी को व्यवस्थित करके दर्शाया जा सके। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसका निर्धारण कुछ निम्नलिखित बातों पर किया जा सकता है। इस सभी बातों को आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है, साथ ही साथ सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा। और अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है उसके लिए आप 6304 3671 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पे तो आप जरूर जुड़िए क्योंकि कभी कभी वो लाइव होते हैं, उसकी वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाती, उसके लिंक नहीं पहुंच पाती, उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करेगा, जुड़ेगा इलेनिक दुर्गेश के साथ और वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम इलेनिक दुर्गेश, फेसबुक पेज भी इलेनिक दुर्गेश है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को आप आराम से लिखते चलिएगा। गणित की इंडिविजुअल क्लास भी हमारे यहाँ प्रारंभ है, पर्यावरण की इंडिविजुअल क्लास भी आपको प्रारंभ है। चलिए पहली बात, विषय वस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो हम लोग विषय वस्तु बनाएंगे विषय वस्तु कैसी होगी, बाल केंद्रित होगी। कैसी होगी, बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो विषय वस्तु होगी कैसी होगी, बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरी बात है ये कि जो विषय वस्तु होते हैं वो बालकों को प्राकृतिक एवं सामाजिक जो संस्कृति कल्चर पर्यावरण को जोड़े और उनको एकीकृत तरीके से जोड़ कर रखे। माने जो विषय वस्तु होती है पर्यावरण की जो विषय वस्तु है उसमें क्या हो, प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को आपस में एक धागे में पिरोए रखें। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, विषय वस्तु छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। माने जो विषय वस्तु हो वो बालक के अनुकूल, ऐसा नहीं है कि बालक के प्रतिकूल, बालक के इतर पढ़ाए, प्राथमिक कक्षा के बालकों को आप उदाहरण एग्जाम्पल देने लगे हायर के, ऐसा ना हो। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, जो पर्यावरण की विषय वस्तु हो उसमें छात्रों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करें। क्या करें, सरोकार उत्पन्न करें। आगे अगर हम लिखें तो पर्यावरण की जो विषय वस्तु है उसमें छात्रों को उन पद्धति प्रक्रियाओं अवगत कराएं जिससे उनको ज्ञान उत्पन्न करने में मदद मिल सके। मतलब ऐसे किसी भी प्रक्रियाओं को पद्धतियों को ना करें इससे उन्हें ज्ञान ना मिले। फिर एक बात और रखिएगा, जो पर्यावरण की विषय वस्तु है ये बालकों में प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे। क्या करें, प्रश्न पूछने और खोजने का मौका दे। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सब अगर आप याद करेंगे तो सीटेट में बेहतर स्कोर कर पाएंगे और रिपीटेड में शिक्षण को जोड़ ही दिया गया है। माने ये जो विषय वस्तु को प्रश्न पूछने और खोजने का उन्हें मौका दे। विषय वस्तु शिक्षार्थियों में जो है रटने
सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करें, मतलब रटे नहीं, उन्हें रट करना सीखे, उन्हें रटने की प्रवृत्ति से दूर हटाइए। बालक को रटना नहीं है, रटने की प्रवृत्ति से दूर हटाना है उन्हें। पर्यावरण के जो विषय वस्तु में बालकों को रट कर सीखने की जो प्रवृत्ति है उसे हतोत्साहित करें, उसे बताएं कि उसे रट कर नहीं पढ़ना। यह बालकों के जो बौद्धिक परिवेश पृष्ठभूमि जो जरूरत है उसको पूरा करें, उन्हें जो एग्जाम्पल दे, जो उदाहरण दे उनके आसपास के हो, जिन्हें वो भली भांति जानते हो, ऐसे न हो जिनसे कभी परिचित ना रहे हो। आगे हम देखेंगे यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणों की व्याख्या ना करें, माने जो बालक होते हैं उनके सारी परिभाषाएं बड़ी बड़ी ना बताएं, कोई शब्दावली कठिन ना दे, अमूर्त अवधारणाएं ना बताएं, उसने देखा नहीं हो, ऐसे अवधारणाओं को व्याख्यान न करें, उनसे बचें। साथ ही साथ हाथ से किए गए क्रियाकलापों को बढ़ावा दें और सामूहिक क्रियाकलापों को, मैंने जो समूह में किए जाते हैं उन क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दें। और जो बालक है उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक, किताबों और अध्यापकों के ज्ञान का एकमात्र ही स्रोत प्रस्तुत ना करें, मतलब उनको ये नहीं है कि जो इतना उनको ज्ञान है उन्हें ज्ञान को ही क्या किया जाए, उनके सामने रखा जाए, उनके सामने प्रदर्शित किया जाए, उसके इतर भी चलना, उसके बाहर भी बताना है, हमें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना है। बाहर को क्या करना है, हमें बाहर की दुनिया से जोड़ कर रखना है ताकि वो बेहतर कर सके। जो बालक होते हैं उनके परिवार, उनके समुदाय तथा अन्य माध्यम जैसे समाचार पत्र, ज्ञान अर्जित करने के लिए बढ़ावा दें। इसमें क्या है, जो वास्तविक घटना है, दैनिक जीवन है, उस समस्याओं का भी समावेशन करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पर्यावरण के जो विषय वस्तु है, जो एनसीईआरटी 5 के आधार पर हम देखा जाए तो इसमें किस्से, कहानियां, कविताएं, पहेलियां का समावेशन, ताकि जो विषय वस्तु उसमें एक रस्ता हो, उसके अंदर बालक को पढ़ने की जिज्ञासा है। और साथ ही साथ बदलाव, बालकों में आमोद प्रमोद हो, आमोद प्रमोद समझ रहे हैं ना, हिंदी के वर्ड है, कल्पनाशील हो, सृजनशीलता का विकास हो तथा स्थानीय तथा वैश्विक स्तर पर जो संसार की प्रकृति है खोजने का मौका मिले। इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा पर्यावरण का शिक्षण होना चाहिए। यह बालकों को भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त करें, बालकों डर ना हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, इसे भी आपको मुक्त करना है। जो पर्यावरण की जो विषय वस्तु है उसकी जो भाषा है वो बालकों की भाषा से बोलचाल की भाषा हो, ऐसी किसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे उन्हें किसी प्रकार से समझने में कठिनाई हो या समझने से दूरी बढ़े। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, पूरी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से ख्याल नहीं रखेंगे तो यह जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो विषय वस्तु है हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इस सीरीज को हम पढ़ते रहेंगे और बाद में एनसीईआरटी 2005 को हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ से अगर कोई समस्या हो आप बेहतर बताइएगा, हम आपकी समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ऑनलाइन रिपीट क्लासेस की वीडियो आपको उपलब्ध हो रही है, इसलिए आप इसे देखिएगा और बेहतर लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि यह सीरीज आपको जल्दी चलती रहेगी, 4 से 5 दिनों में हम पूरी लेक्चर खत्म कर देंगे, माने 8 से 10 वीडियो में हम पर्यावरण का शिक्षण पूरी तरह से समेटने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ NCF 2005 RT 2009-10 अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी इसको पढ़ते चलिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, उसे नोट डाउन करते चलिएगा, ताकि आपको फिर आगे चलकर फिर भविष्य में इससे जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। एक बात याद रखिए, सीटेट स्पेशल के लिए है और यूपीटेट की शिक्षा में जुड़ गया, इसलिए यूपीटेट में पढ़ सकते हैं। और ये साथ ही साथ आपके लिखित परीक्षा में भी है, उसका उपयोग लिखित परीक्षा में भी आप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।